स्वागत है आपका वॉइस आपकी आवाज देश विदेश की खबरों पर। मैं हूं रुबीना। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ चुनिंदा खबरों पर। फ्रांस में शुक्रवार को एक टूरिस्ट प्लेन और लाइटवेट एयरक्राफ्ट के बीच टक्कर हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एयरफोर्स की टीम मौके पर पहुंच गई। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अस्पताल से लौटने के बाद पहली बार व्हाइट हाउस की बैल्कनी में नजर आए। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपकी प्रार्थनाओं के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बड़ा सड़क हादसा हो गया। तहसीलदार की कार नहर में गिर गई। हादसे में तहसीलदार समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के शव नहर से निकाल लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में घर में घुसकर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर किसान की हत्या कर दी। बदमाश तमंचे लहराते हुए फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली के बदरपुर इलाके में सेफ्टी टैंक की सफाई करने उतरे मजदूर और उसे बचाने गए मकान मालिक की जहरीली गैस की चपेट में आकर मौत हो गई। टैंक से ठेकेदार को समय रहते निकाल लिया गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कृषि कानून के विरोध में किसानों का रेलवे ट्रैक पर बैठने के कारण सभी ट्रेनें बंद हैं, जिसके कारण पंजाब में कोयला, खाद और बरदाना नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार ने कोयले की स्टॉक की स्थिति को गंभीर करार दिया है। वहीं थर्मल पावर भी बंद होने के कगार पर है। पंजाब यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गुरलाल ब्रार की कार में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को तब अंजाम दिया गया जब वह कार में बैठकर किसी का इंतजार कर रहे थे। वारदात में उन्हें 3 गोलियां लगी है। पश्चिम बंगाल के पुंडुहा रेलवे स्टेशन पर लोगों ने रेल की पटरियों को जाम कर दिया है। उनकी मांगे हैं कि ट्रेन की सेवाएं ठीक तरह से शुरू की जाए, क्योंकि उन्हें आने जाने में परेशानी हो रही है। स्टेशन से अभी तक सिर्फ स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अज्ञात वाहन से टकराकर बाइक सवार पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल है। पुलिस मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अवैध खनन कर मिट्टी ले जा रहे डंपर को रोकने पर चालक ने PRV वाहन को टक्कर मार दी। इससे एक PRD जवान की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। झारखंड के झमुमो धनबाद महानगर के उपाध्यक्ष शंकर रवानी और उनकी पत्नी बालिका देवी की हत्या उन्हीं के घर में कर दी गई। अपराधियों ने जोड़े को दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी से हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मानव तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में काम दिलाने का झांसा देकर 12 नाबालिग लड़कियों को हाथरस लाया और वहां बस स्टैंड के पास एक कमरे में 3 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बस और ट्रेन के बीच जोरदार टक्कर में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मरने वाले लोग बस में सवार थे। बताया जा रहा है कि ये लोग किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण में लगे राजगीर सहित 3 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से झुलस गया। मृतकों में गांव के 2 बच्चे भी शामिल हैं।